तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं उनका नाम है पालाराम सैनी और इस बार कैथल से निकाय चुनाव में प्रत्याशी हैं, यानी चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं। लेकिन चुनाव के आखिरी दिन जहां इनको चुनावी समीकरण बिढ़ाने में व्यस्त होना चाहिए था, वहीं उससे पहले ही ये बच्चों की काउंसलिंग में करने जुटे हैं। अपने वास्तविक प्रोफेशन टीचर के प्रोफेशन के रूप में हैं, तो इस मौके पर इनसे बात भी जानेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हों, या फिर हो सकता है कि जितनी भी अफवाहें फैली हुई थी वो सच हो गई हों। अफवाहें ये थी कि या तो ये चुनाव मैदान में बैठ जाएंगे, या इनको बीजेपी मना लेगी, या फिर ये किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दे देंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। और क्या कुछ सिचुएशन है अंदर की, क्या कुछ बातें हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार पालाराम जी। नमस्कार भाई साहब। आज के दिन जहां आपको चुनावी समीकरण बिढ़ाने में व्यस्त होना चाहिए था, वहां आप टीचर बने हुए हैं, आज क्यों कुछ लग नहीं रहा क्या आपको? भाई साहब, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य शिक्षा को लेके है। मेरा पहला उद्देश्य शिक्षा को लेके है, मैं शिक्षा के ऊपर काम करता हूँ। चुनाव तो बाद की चीज है, चुनाव तो बाद की चीज है। अफवाहें चली हुई थी कि बीजेपी आपको मना लेगी, और आपकी आपके चेहरे की मुस्कान को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मान बैठे हो आप, या फिर अपनी जीत को लेकर आखिरी सांस तक लड़ रहे हो। भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है और कैथल की जनता मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। जीत तो जिस दिन मैंने फार्म भरा था ना, उसी दिन मेरी हो गई थी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, जीत को लेकर इतने आश्वस्त क्यों है पालाराम? कैथल की जनता बड़ी समझदार है, ईमानदार है। उनको ये पता है कि ग्राउंड पे काम करने वाला व्यक्ति कौन है, ग्राउंड पे काम किसने किया है, शिक्षा को बढ़ावा किसने दिया है। तो इन सभी चीज़ों को देख के मैंने अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में माना है। इससे पहले भी जो भी आपके द्वारा काम किए गए, चाहे एनटीटी डिप्लोमा को के फार्म भरवाना हो, वस्त्र मंत्रालय के थ्रू महिलाओं के फार्म भरवाना हो, ऐसी तमाम सुविधाएं शहर के लोगों को दी गई हो, या फिर कोरोना काल के समय बच्चों की फीस माफ करना हो, अब आप अगर मान लो परमात्मा ने आपको मौका दे दिया, ये चुनाव आप जीत गए, उसके बाद प्राथमिकता किस काम को लेकर होगी? मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं शिक्षित कर सकूँ, उनको मैं शिक्षा दे सकूँ। जो गरीब घरों की बेटियाँ हैं, गरीब घरों के बेटे हैं, उनको ज़्यादा मैं पढ़ा सकूँ, मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी। आपको लगा नहीं कि चुनाव के आखिरी दिन आपको कहीं और होना चाहिए था, चुनाव की तैयारी में व्यस्त होना चाहिए था, वहीं आप टीचिंग का काम कर रहे हैं? मैं तो आज सुबह 9 बजे से लेकर और अभी तक आपके बीच में स्कूल में हूँ अपने। मेरा जो मुख्य काम है शिक्षा को बढ़ावा देना, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जीत को लेकर आश्वस्त होने का कोई एक कारण क्या आप, मतलब लोग तो देखो चुनाव प्रचार के दौरान डोर टू डोर मिलते हैं, लेकिन आपकी तो काउंसलिंग जो है मैन टू मैन चलती है। देखो मुख्य जो बात है ना दोस्त मेरे, मुख्य बात यह है कि मैंने ग्राउंड के ऊपर काम किया जी। आज भी कैथल के अंदर ऐसे ऐसे गरीब परिवार हैं जो बहुत सी चीज़ों से वंचित हैं, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, मैं इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे हौसले बुलंद हैं। 1,06,288 मतदाताओं की किस्मत का फैसला करेगा ये चुनाव। खासकर नगर परिषद को देखें तो नगर परिषद में तमाम भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहे हैं, और इस बार जो है क्या कुछ नया होने वाला है, पालाराम सैनी का नज़रिया क्या कहता है? कैथल नगर परिषद हरियाणा की नंबर 1 नगर परिषद बनेगी। इस नगर परिषद को देखने के लिए पूरे हरियाणा के लोग आया करेंगे, ऐसा माइंड के अंदर मेरे नक्शा बना हुआ है इस कैथल शहर को लेके। बहुत योजनाएं हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे इंतज़ार है कि मैं चेयरमैन कितनी जल्दी बनूं। आप कई बार देखने में ये भी आ रहा है दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय अपने विजन और मुद्दों के सहारे आप क्लियर हैं। मैंने कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, ना भाजपा के ऊपर, ना कांग्रेस के ऊपर, ना मैं लगाऊंगा। मेरे लिए सब मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। मैं तो अपने विजन पे चुनाव लड़ रहा हूं, अपने विजन को लेके। भले ही टिकट दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। जनता का निर्णय भगवान का निर्णय है, कैथल की जनता मेरे साथ है, बढ़ चढ़ के मुझे आशीर्वाद दे रही है। ये आशीर्वाद भले ही पार्टी का आशीर्वाद ना हो, जनता का आशीर्वाद सर्वप्रिय है। जनता का आशीर्वाद सबसे जरूरी है, पार्टी भी जनता के साथ ही है, पहले जनता है फिर पार्टी है, पहले जनता फिर पार्टी। और देखना होगा कि निकाय चुनाव में जनता किसके चेहरे पर, किसके वोट पर, या किसकी किसको मोहर लगाती है। खासकर आपका वोट मटके का निशान जो है
और मटका गर्मियों में तो काम आता ही है, लेकिन गर्मियां जो है खत्म होने वाली है, तो मटका अब आगे कितना काम आएगा? मटका तो छोटे भाई जब से सृष्टि रची है तब से लेके और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये मटका काम आएगा। अच्छा, तो चुनाव निशान तो मटका है, आपने सिंबॉलिक रूप से बता भी दिया। चुनाव निशान मेरा मटका है, मटके के सामने वाला बटन दबाकर पुष्पा सैनी को कामयाब करें, उनकी कामयाबी कैथल शहर की कामयाबी है, सभी हमें आशीर्वाद दें और हमें अपना वोट और सपोर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप अपने विजन के सहारे आगे बढ़ते रहिए। बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और लगातार पालाराम सैनी बच्चों की काउंसलिंग करते हुए सीधे नजर आ रहे हैं, जहां चुनाव के आखिरी दिन इनको चुनावी समीकरण भिड़ाने में व्यस्त होना चाहिए था, वहीं आज ये लगभग अपने चुनावी समीकरणों को छोड़ते हुए अपना जो इनका प्रोफेशन है, क्योंकि जहां इनकी आत्मा मानती है कि बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए प्राथमिकता है, वो आखिरी दिन ये काम कर रहे हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, बहुत बहुत शुक्रिया।